दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, और उसको लेकर काफी बच्चे हैं जो एक्साइटेड हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसी बीच में आज का वीडियो रहने वाला है। तो अभी एमपीपीएससी 2025 के लिए आप सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर जब नोट्स की बात आती है, आपकी प्रिपरेशन की बात आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल की तरफ जाएं, और उससे पहले आपको पता हो कि आप जिस भी मटेरियल की तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ पूरा ट्रस्ट हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाए। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता, वीडियो का मेन रीजन ये होता है ताकि आपको मार्केट में आने वाले सभी नोट्स का जो भी डिटेल्स है वो पहले ही मिल जाए, ताकि आप जब भी अपने नोट्स को परचेज करने जाए तो उसके बारे में पता हो। इसके साथ ही आपको जो एक और हेल्पफुल चीज मिलती है वो ये कि आप बुक्स को खरीदने से पहले उसका सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं। मतलब सैंपल पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रारंभ बुक्स गैलरी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी नोट्स का रिव्यू होता है उन सभी नोट्स के जो सैंपल पीडीएफ होते हैं वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से हर एक बुक का जो कंटेंट है उसको अच्छे से रीड कर पाओ और फिर उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल जो है वो सिलेक्ट कर पाओ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो भी कोचिंग के नोट्स आए हैं उन सभी का रिव्यू चल रहा है। तो अभी प्रीलिम्स का क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आ गया और आपको पता भी है कि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो उसी को लेकर आज भी हम एक नई कोचिंग के जो नोट्स आए हैं, जो मेरे सामने अभी आप बुकलेट देख रहे हो, उसका हम रिव्यू देखने वाले हैं। और ये जो नोट्स हैं ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, तो हम आज बात करने वाले हैं उत्कर्ष के नोट्स का। तो उत्कर्ष के प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं वो आ चुके हैं और ये पूरे बुकलेट फॉर्म में हैं। तो इससे पहले भी अगर रिव्यू अगर आपने देखा होगा तो अभी तक बुकलेट्स नहीं आई थी, तो आज का जो वीडियो है वो ये इसलिए है ताकि आपको एक अपडेट मिल जाए कि उत्कर्ष का जो सेट है वो बुकलेट फॉर्म में आ गया है, ताकि अब आपको और अच्छा और क्वालिटी मटेरियल मिल सकता है। तो मेरे पास जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हो ये पूरा हिंदी का सेट है प्रीलिम्स का, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास जो 10 यूनिट्स है वो इन्होंने कैसे दी हुई है। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपकी इंडियन हिस्ट्री की, तो यूनिट 1 जो है वो रही आपकी बुकलेट। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये वाला पोर्शन। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 जो कि है आपका भारत का भूगोल, ये रही उसके लिए बुकलेट। उसके बाद यूनिट 4 जो जिसमें आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने वाले हो, उसके लिए उन्होंने सेपरेट बुकलेट दी हुई है आपको। फिर यूनिट 5 जिसमें आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था, उसके लिए हमारे पास यूनिट 5 फिल्म्स की, उसके लिए बुकलेट है। उसके बाद है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, उसके लिए यूनिट 6 और ये रही उसके लिए बुकलेट। उसके बाद है आपका साइंस एंड एनवायरमेंट वाला पोर्शन, मतलब विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये यूनिट 7 के लिए बुकलेट है। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 9 पर। यूनिट 8 में आपको पता है कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए पहले ही वीडियो आ चुके हैं जहां पर आपको ये बताया गया है कि आप अपने करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यूनिट 8 के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, बट अभी क्योंकि समय कम है तो आप ईयरली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो, या तो फिर आप एग्जाम पीडिया की भी देख सकते हो जो एग्जाम से पहले आएगी, पूरी ईयरली मैगजीन रहेगी, उससे भी आप पढ़ सकते हो अपना करंट अफेयर्स। और साथ में आती है रोजगार निर्माण की बुक, जिसके अंदर आपको पूरा ईयर का करंट अफेयर्स मिलता है, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स वाले, उन सभी का कंपाइलेशन आपको एक ही बुक के अंदर मिलता है। तो 8 के लिए जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हमारा यूनिट 9, जिसमें आपको पढ़ना होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो उसके लिए उत्कर्ष की एक बुकलेट है, इसको आप कवर कर सकते हो यहाँ से। तो अब जो लास्ट यूनिट है जिसमें आपको पता है कि आपका जनजाति वाला पोर्शन ऐड हुआ है, यूनिट 10, उसके लिए यहाँ पर एक सेपरेट बुकलेट है जहाँ से आप अपना पूरा जनजाति वाला पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके, जो कि आपका बेसिक वाला जीके होता है जिससे बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं पीएससी के अंदर, उसके लिए यहाँ पर एक अलग से बुकलेट दी हुई है। ये बुकलेट भी यहाँ पर आपको इस सेट के साथ ही मिलेगी। तो ये पूरा जो आपको सेट है वो पूरा आपका कवर होगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के लिए प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, या फिर आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी के व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पूरे सेट की डिटेल्स ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एक बार इंग्लिश वाले सेट के लिए भी। तो इंग्लिश वाले बच्चे वैसे ही परेशान होते हैं कि उनके पास स्टडी मटेरियल कम होता है, तो जैसे मैंने हिंदी में भी आपको डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के लिए बुकलेट्स अवेलेबल है। तो अब देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसके लिए यहाँ पर ये बुकलेट दी हुई है, काफी अच्छी बुकलेट है। तो ये बुकलेट है, इसका सैंपल पीडीएफ यहाँ पर जितनी भी बुक्स मैं रिव्यू करूंगी सभी का सैंपल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। यूनिट 2 जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर वाला जो पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का, उसको पढ़ना है, तो उसके लिए ये रही आपकी बुकलेट। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 जिसमें आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके लिए यहाँ पर ये है आपकी बुकलेट यूनिट 3 के लिए। यूनिट 4 के लिए आपको ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है। उसके बाद है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है मध्य प्रदेश का और इंडिया का, उसके लिए यहाँ पे कंबाइंड बुकलेट है जिसमें आप इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों के लिए पढ़ोगे, यूनिट 5। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 6 जिसमें आपको मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों की इकोनॉमी को कवर करना है, तो वहां पर यह है आपकी यूनिट 6 के लिए बुकलेट। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 जिसमें आपको साइंस एंड एनवायरमेंट वाला पोर्शन कवर करना है, उसके लिए यहाँ पे सेपरेट बुकलेट दी हुई है। यूनिट 9 के लिए जो कि आईसीटी वाला पोर्शन है आपका, उसके लिए यहाँ पे सेपरेट बुक है। और उसके बाद आती है आपकी यूनिट 10 जिसमें आपका ट्राइबल वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्टैटिक जीके के लिए भी आपको एक सेपरेट बुकलेट दी जाती है जिसमें आपके सारे बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको कवर कर दिए जाएंगे।
ये हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का अवकाश का सेट। इससे पहले भी इसका रिव्यू हुआ है, बस ये है कि अभी यहाँ पर ये बुकलेट फॉर्म में आया है तो इसकी अपडेट लेकर आना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो है आपके लिए ताकि आप डिटेल में एक बार देख सको कि आपकी पूरी 10 यूनिट जो है उसको लेकर उत्कर्ष का सेट आ चुका है। इन सभी का जो आपको प्राइस डिटेल्स है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स है तो वो सब आपको यहाँ पे प्रारंभ बुक्स गैलरी के व्हाट्सएप लिंक पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी आपका फीडबैक होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर जाके आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो समझ पाया होगा। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप उसके लिए प्रारंभ बुक्स गैलरी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर अभी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। और साथ में अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, मतलब सेट रिलेटेड जो भी प्राइस डिटेल्स है, उसके लिए आप प्रारंभ बुक्स गैलरी के व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो, तो वहां पे आपको डिटेल्स जो भी है शेयर कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ।